खरौंदी से हमारे संवाददाता असलम अंसारी की रिपोर्ट। खरौंदी प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन के साथ दशहरा पर्व हुआ संपन्न। खरौंदी प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन के साथ दशहरा शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। प्रखंड के खरौंदी, राजी, सूढ़ी, करीवाडी, चंदनी, सिसरी, अरंगी, कूपा और मझिगावा पंचायत में कमेटी द्वारा दुर्गा मां की प्रतिमा स्थापित कर 9 दिनों तक विधिवत पूजा अर्चना किया गया। गुरुवार को प्रखंड के प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति द्वारा गाजे बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। मां दुर्गा की प्रतिमा को नजदीकी पंडा नदी तथा डोमनी नदी में ले जाकर विसर्जन किया गया। प्रखंड में विजयदशमी के दिन मूर्ति विसर्जन नहीं किया गया था। गुरुवार को दोपहर ही विभिन्न कमेटियों द्वारा मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होने लगा। सुबह से ही प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर श्रद्धालु उत्साहित दिखे जाने लगे। इसे देखते हुए थाना प्रभारी अभय कुमार द्वारा प्रत्येक मूर्ति विसर्जन में पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया, ताकि मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन में किसी तरह का अप्रिय घटना न घट सके। साथ ही प्रखंड मुख्यालय में इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक पंचायत में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई। सभी मजिस्ट्रेट गांव-गांव जाकर मूर्ति विसर्जन का जायजा ले रहे थे। इसके अलावा स्वयं वीडियो गणेश महतो, थाना प्रभारी अभय कुमार मूर्ति विसर्जन के दौरान समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। प्रत्येक पंचायत में मां दुर्गा की जय जयकारों से के साथ देर शाम तक प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। इस दौरान मूर्ति विसर्जन में प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश महतो एवं थाना प्रभारी अभय कुमार ने अपने दल बल के साथ सभी मूर्ति विसर्जन स्थलों पर भ्रमण किए एवं मजिस्ट्रेट उमेश कुमार, विनोद पासवान सहित पुलिस के जवान तैनात थे।